नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। नियो न्यूज परिवार की ओर से सभी दर्शकों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त तो चला अच्छी खबरों का, तो आइए देखते हैं अच्छी खबर। गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मथुरा नगर के विश्राम घाट, स्वामी घाट, दुर्ग घाट एवं यमुना पार, दुर्वासा, ऋषि घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा दशहरा पर सुबह से ही आने लगी थी। हालांकि कोरोना वायरस के डर के चलते जिस प्रकार से पिछले वर्षों में यमुना किनारे भारी भीड़ दिखाई पड़ती थी, वैसी भीड़ इस बार दिखाई नहीं दी। टुकड़ों में लोग यमुना स्नान करने के लिए आ रहे थे। जो यात्री स्नान कर चुके हैं वो घाट को खाली करते जाए ताकि व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी घाट पर कैंप कार्यालय बनाकर निर्देशन कर रहे थे। वहीं गहरे पानी को लेकर के भी बार बार आगाह किया जा रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा तथा घाटों पर बल्लियां एवं जाल लगा करके सुरक्षा को मुस्तैद रखा गया। यमुना के घाटों का निरीक्षण करने नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं। गंगा दशहरा पे इस समय सभी लोग अच्छी तरीके से स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं, जिसमें बैरिकेडिंग है, गोताखोरों के इंतजाम है, पीएसी की जो है वो लगातार लोग भ्रमण कर रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकें। इसके अलावा पर्याप्त साफ़ सफाई की गई है। गंगा जी, जमुना जी में जो है वो पर्याप्त पानी भी इस समय आप देख रहे होंगे, और पानी ऐसा लग रहा है कि इसमें आराम से स्नान किया जा सकता है और अच्छे कंडीशन में पानी है। नहीं, अभी तो है, आदमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आदमी है, फिर भी स्नान करने वाले पर्याप्त लोग हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, पवित्र गंगा दशहरा का पर्व यहाँ यमुना नदी के विभिन्न तटों पर श्रद्धालुओं द्वारा बहुत ही हृदय भाव से मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल से ही श्रद्धालु विभिन्न तटों पर पवित्र यमुना नदी के डुबकियाँ लगा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस द्वारा यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं, और जो हमारी पीएसी की फ्लड कंपनी है वो भी तैनात की गई है। घाटों की साफ़ सफाई पे भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा भाव से डुबकी लगाने आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोरोना वायरस का भय अभी तक लोगों के मन से गया नहीं है, और यह सत्य भी है कि जितना हम सावधान रहेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। जरा सी लापरवाही हमें और हमारे परिवार को परेशानी में डाल सकती है। लंबे समय के बाद इन घाटों पर भीड़ देखने को मिली है। मौका है दशहरा पर्व का। दशहरा पर्व को लेकर के यहाँ पर खासी भीड़ देखने को मिली। सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कोरोना का भय लगातार बरकरार है। जिस तरह से सुबह हम और हमारे साथी राय सोलंकी यहाँ पर आए थे कवरेज करने के लिए, उसके अनुसार व्यवस्थाएं प्रशासन ने की थी, लेकिन जिन व्यवस्थाओं को उन्होंने बाधा किया था व्यवस्थाएं तो पूरी हुई, लेकिन उसके बावजूद देखता है तो भीड़ काफ़ी कम है। बात करें यहाँ भीड़ की, तो लोग कम से कम सोच रहे थे कि 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ स्नान करेंगे मथुरा की आबादी के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि भीड़ तो हुई, लेकिन काफ़ी कम संख्या में हुई, हज़ारों की संख्या में कह सकते हैं, लेकिन 5 हज़ार से ऊपर भीड़ की उम्मीद थी वो नहीं हुई। हालांकि प्रशासन की तौर दृष्टि के तौर पर यहाँ पर व्यवस्था रखी गई, नाविकों को रखा गया है। इसके साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट एवं यहाँ सी ओ सिटी द्वारा, SHO द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया, घाटों का पूजन किया गया। महिलाओं के लिए यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी लगाई गई, साथ साथ अन्य गोताखोरों की ड्यूटी भी यहाँ लगाई गई है, जिसको देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएँ काफ़ी सुचारू रूप से चल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं इतना कि सोचा गया। शायद ये माना जा सकता है कि कोरोना का भय और कोरोना का डर इस प्रकार अभी लोगों में है कि लोग अभी संयम बरत रहे हैं और अपनी सावधानी के पूर्वक स्नान करने आ रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक थी, जाल लगा दिए गए हैं, बल्ली का भी प्रयोग किया गया है कि जिससे कोई व्यक्ति आगे ना जाए और कोई घटना दुर्घटना घटित यहाँ पर ना हो सके।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कोरोना के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं बनाए रखी गई थी सोशल डिस्टेंस की पालन की, तो बात स्नान में हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्नान में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं संतोषजनक रही। कारण इसका ये रहा कि भीड़ ज़्यादा नहीं उमड़ी, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ सकती थी। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।